Common sense, common sense. Everybody has the common sense. Common sense, common sense. Everybody has the common sense. Everybody has the common sense. Mera Pakistan. कॉमन सेंस में वक्त हुआ चाहता है मेरा पाकिस्तान, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज हम किस पे बात कर रहे हैं जनाब, मीनार पाकिस्तान के बारे में। बच्चों, मीनार पाकिस्तान लाहौर में इकबाल पार्क में बनाया गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान को तामीर करने के पीछे क्या मकसद था? तो जनाब, साल 1940 और दिन है 23 मार्च। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लाहौर में अपना इजलास मुनक्कद करती है और एक करारदाद मंजूर करती है, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया गया था, जिसे आज हम करारदादे पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ये मीनार इसी इजलास और करारदाद की याद में तामीर किया गया है। मीनार पाकिस्तान को डिजाइन करने का एजाज नसीरुद्दीन मुरुद खान साहब को हासिल है। मीनार पाकिस्तान का संगे बुनियाद 23 मार्च 1960 में रखा गया और 8 साल की तवील मुद्दत के बाद 21 अक्टूबर 1968 में बन के मुकम्मल हुआ। मीनार पाकिस्तान की तामीर पर 70,58,000 रुपए खर्च किए गए। मीनार पाकिस्तान की एक जानिब बादशाही मस्जिद और बादशाही मस्जिद के साथ ही मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का मकबरा मौजूद है, जो मीनार पाकिस्तान पर आने वालों को अपने शानदार माजी और बेहतरीन मुस्तकबिल की नवीद सुनाता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं? नहीं, क्यों? जुकाम है, फीवर भी हो गया है। हाँ, मौसम चेंज हो रहा है तो दवाई वाई लें, कुछ सेट हो जाएंगे, ठीक है? जबरदस्त, अपने प्रोग्राम को बकायदा आगाज करते हैं, लेकिन आगाज करने से पहले आपको ये बता दें कि आज के कॉमन सेंस में बहुत सारे हम गेम्स करने वाले हैं, टंग ट्विस्टर्स करेंगे और साथ कुछ सिचुएशन भी है वो भी साथ साथ करवाएंगे, और कुछ कॉमन सेंस के एक दो सवाल हैं वो भी हम आपसे पूछने वाले हैं। लेकिन आज का जो मजेदार सा सवाल है वो ये है जनाब, कि उर्दू में वो ऐसी कौन सी गिनती है जिसको पढ़ा जाए तो एक रिश्ता बनता है? कौन सी गिनती है जिसको पढ़ा जाए उर्दू में तो एक रिश्ता बनता है? जानते हैं कॉमन सेंस के इन बच्चों से कि इनकी सेंस कितनी कॉमन है और कितनी नहीं। आइए, माशाल्लाह, मिस नहीं आई? आई कहाँ है? पीछे? वो तो मिस थोड़ी है, सर है वो तो। क्या नाम है आपका? सही है, एक नाम बताओ, इतने सारे नाम बता दिए तुमने तो। मरियम, घर में मरियम कहते हैं और स्कूल में क्या कहते हैं? मरियम ही कहते हैं। कुछ चिड़बिड़ बनाई अब तक इन्होंने आपकी है? अच्छा, किसी ने चिड़बिड़ बनाई दूसरी? स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है ना, किसी का बैंड बजा देना। जी जी बिल्कुल, अंदर की आत्मा बाहर आ गई। क्या हुआ, तुम्हारी चिड़ सबसे ज़्यादा लगता बनाई है ना? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मायरा इश्तियाक। बड़ा इश्तियाक था मुझे आपसे मिलने का, बड़ा इश्तियाक था। आपका नाम बिल बोर्ड्स पर लगा हुआ पूरे पाकिस्तान में, पता है वो? अच्छा, क्या क्या इनका नाम क्या रखा हुआ है? हाँ, इनका क्या? इनका नाम मायरा। और आपका क्या? रूहीना। रूहीना कैसी हो तुम? अच्छा खैर, जो भी बात, हम काम की बात करते हैं, छोड़ो। हाँ, आपने ये बताना है कि उर्दू की गिनती में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रिश्ते में बदल जाता है, बताओ। वो रिश्ते में बदल जाता है, आपको पता है? नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जुबिया। जुबिया, जबरदस्त। जुबिया का पूरा नाम बताया जाए? जुबिया नसीम। आगे क्या बनने का प्लान है? बड़े इंजीनियर बने, किस चीज़ में बनेंगी? कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगी, कंप्यूटर को ठीक करेंगी, यानी कि आप। जबरदस्त। उर्दू का वो कौन सा नंबर है जो कि रिश्ते में तब्दील हो जाता है? दो है। ये कौन सा रिश्ता? दो रिश्ते तो क्या, ये कौन सा? तशरीफ रखो, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताएं? दुर्रा कमाल। बड़ा कमाल। और ये आप कब बनी प्रीफेक्ट? बस कुछ टाइम। ये इन्होंने फंसने फंसाया था आपको? नहीं, खुद ही फंसने का दिल कर रहा था। अच्छा, तो जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ गई है आपकी? कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा कम है। ठीक है, तंग तो नहीं करते सब? बहुत कितनी वैसे तंग करती है ये सच बोल है? अरे अरे, कोई लाइन में नहीं लगता ना। अच्छा चलो, उर्दू का ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रिश्ते में तब्दील हो जाता है? नहीं पता। तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया आपके खड़े होने पे, इतनी तालियां। आप किसी इलेक्शन में खड़ी हुई हैं क्या आज तक?
अच्छा वैसे एक बात है, अगर आपको किसी इलेक्शन में खड़ा किया जाए तो आप कौन सा सोचेंगे ये अहदा संभाल लूँ इस वक्त पाकिस्तान में? सफाई सुथराई का ना, बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। इसी बात पे कराची के लिए तालियां बजाएं आप। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? कंजा। जबरदस्त कंजा जाहिर, ये बताएं कि ये कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, कितनी अच्छी है? नॉर्मल। कोई खामी बताएं इसकी, कोई बुराई? तंग करती है। ये क्या कह रही हैं आप, तंग करती हैं? नहीं, झूठ कह रही हैं। झूठी, ये तो कह रही हैं, झूठी बोल रही हैं। नाज़रीन, हम जाए मौका पर मौजूद हैं और खुलेआम यहाँ पर जनाब क्राइम हो रहा है। ये कह रही हैं कि वो झूठी है और वो कहती हैं ये झूठी है। कौन झूठा सही बताओ? ये झूठी है। अल्लाह, अरे अल्लाह, आपा कमेंटी कर डालोगे? चाहिए अच्छा पटाखा। अब नाज़रीन देखिए, इन दो लड़कियों के माबेन एक ऐसा तनाजा खड़ा हो चुका है, मैं आपको बता सकता हूँ ये क्राइम शो बनने वाला है। ये इन्होंने आपको बोला पटाखा। अच्छा, अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची। अच्छा देखो, तुमने पटाखा बोल दिया। पटाखा, अब ये बताओ तुम्हारा नाम पटाखा, वो उर्दू का कौन सा ऐसा नंबर है जो के रिश्ते में तब्दील हो जाता है? तशरीफ रखें, बहुत शुक्रिया। सलामुअलैकुम। नाम बताएं। लाइबा। कहाँ से ताल्लुक है? कराची से। नहीं, वैसे कहीं और से शिफ्ट हुई हो? कुछ सवाल वगैरह से, कागान से? नहीं। अच्छा, कभी जाना हुआ है? कहाँ गए थे? कोयटा गए थे। अरे ज़बरदस्त, कोयटा में तो वो काजू वगैरह बड़े मज़े के मिलते हैं, तो नहीं थी मेरे लिए। अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, है ना? ठीक है, ज़बरदस्त। काम की बात करते हैं, वो ये है कि वो उर्दू का ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रिश्ते में तब्दील हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम। नाम बताएं। मिशी खान। अरे ज़बरदस्त, मिशी हैं। ये खड़ी हो, एक सेकंड, तुमने इतना तजस्सुस क्यों डाला इसके अंदर? ये खान है? पता है। तो तुमने इतना क्यों खान? मुझे लग नहीं रहा है खान है। यार ये कह रही है कि नहीं लग रहा कि आप खान हैं। है। वो कह रही है कि मैं हूँ। ये क्या है? नाज़रीन, एक और जाए मौका पर हम मौजूद हैं और हमने छापा मारा यहाँ पे, एक और छापा। नाज़रीन, क्लास में एक खातून कहती है, आंटी कहती है, और ये आंटी का कहना ये है कि ये खान नहीं है। आपका यही कहना कि खान नहीं है? मुझे लग रहा है इनको शक है। और आपका कहना इनके बारे में क्या है? ये सिद्दीकी नहीं है। तालियां बजाएं भाई। लेकिन आपने कार्ड दिखाया था इनको, क्यों कार्ड क्यों दिखाया आपने? आपको यकीन ही नहीं हो रहा मेरे ऊपर। यकीन नहीं हो रहा आपको? यकीन क्यों नहीं हो रहा भाई? कैसे यकीन दिलाया आपको? काम की बात कर ले। वो उर्दू का ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रिश्ते में तब्दील हो जाता है? पता नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? नाम बताएं। आयशा। अरे कितना प्यारा नाम है आयशा। सवाल ये है कि उर्दू गिनती में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रिश्ते में तब्दील हो जाता है? हाँ बता दो, पता है? 89। तालियां बजाओ 89 के लिए। आयशा ने जवाब दिया, उर्दू की गिनती में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उर्दू में जब आप गिनती पढ़ेंगे तो वो वर्ड निकलेगा, वो होगा 89। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 89 के लिए तालियां बजाएं। लाएं, हमारे पास क्या है? हमारे पास एक गिफ्ट है नाज़रीन, और ये गिफ्ट हम आपको देने जा रहे हैं। ये छोटा सा गिफ्ट है, ये अपने पास रखिएगा, सामने देखिएगा, हम फोटो खिंचवाएंगे, सब बोलेंगे खींची, 1 2 3। और भी हैं माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, और भी मंगवाएं, ये एक और आपके साथ जाएगा। और भी हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, एक और साथ जाएगा, ये भी आपके साथ जाएगा। घर एहतियात से लेके जाना, कोई छीन ना ले तुमसे, ठीक है? और अगर कोई तंग करे तुम्हें तो तुम भी तंग करके भाग जाना, ठीक है? उर्दू की गिनती में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि रिश्ते में तब्दील हो जाता है? खुद ब खुद जब उर्दू पढ़ते हैं बच्ची ने, जैसे आयशा ने जवाब दिया कि वो है 89। और एंड ऑफ टाइम जब मैं घूमता रहा पूरी क्लास में तो तकरीबन सबको मालूम हो गया था कि इसका जवाब ये होगा। कोई 55 कह रहा था, 56 कह रहा था, और हमारी आपा जो थी, और दो क्राइम शो भी शुरू हो गया था। खैर, हम यहाँ पे जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मजीद और कुछ करवाएंगे, गेम शेम हो सकता है, या फिर कोई सवाल हो सकता है, या फिर टंग ट्विस्टर हो सकता है, या फिर कोई हो सकती है सिचुएशन, कहीं मजा आएगा। जल्दी से मजेदार सी चाय बनाएं और जल्दी से लेकर आएं, अभी वक्त बाकी है।
हाँ अस्सलाम वालेकुम, वो अम्मी है? नहीं। अम्मी नहीं है, नहीं। भा, भाई भी नहीं है। आपका नाम? हाँ मैं अंदर आ जाऊँ। कैसी हैं आप? और ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। आपकी दोस्त है? भाई तालियां बजाएं इसी बात पे। अच्छा और ये कौन है? ये भी मेरी दोस्त है। कैसी दोस्त हैं? अच्छी दोस्त हैं। अच्छी दोस्त हैं? हाँ। काम हम देती हैं आपको? हाँ, खुद भी करती हैं। खुद भी करती हैं काम? भाई कमा। और अच्छा और ये वाली दोस्त कैसी हैं? ये वाली भी अच्छी हैं। अच्छा हम आपके घर आए ना, तो बताएं ना, अच्छी हैं? कितनी अच्छी हैं ये? बहुत अच्छी हैं। वाकई ये सही बात कर रही हैं? माँ भाई तालियाँ फिर बजाए। अच्छा आपको कौन पसंद है? बायो। बायो बहुत पसंद है आपको? बायो पसंद है। बातचीत होती है बायो से? नहीं होती। कहाँ दूर रहता है क्या? बहुत दूर रहता है। किताबों में रहता है भाई तालियां बजाए। अच्छा अभी अम्मी ने मुझे बोला था कि ये जाके बराबर वाले घर की लड़कियों से करवा लो ना, वो ऐसे बोलना है टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, आराम से पटको, बायो सुन लेगा। टपक पटक पटक टपक टपक पटक। हाँ पटक टपक। हाँ जल्दी बोलो ना। हाँ बिल्कुल। आप बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखें। थैंक यू जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताया जाए? एमन। एमन क्या करती है घर में? कुछ नहीं करती। पढ़ती हूं। पढ़ती हैं? अभी तक कुकिंग शुरू की? नहीं। क्या पकाने का वैसे शौक है, अगर पहली दफा पकाने को मिले? बेकिंग केक वगैरह बना लेती हैं। इन सब के लिए कभी खिलाएं इनको? जी। झूठ बोल रही है? नाजरीन जय वल्लाह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी एक और क्राइम हो रहा है इस क्लास में, आपको बताते हैं। ऐसी होता है कुछ? ऐसी होता है। तो ये कह रही है कि केक नहीं खिलाया, ये बात सच है? खड़ी हो, इन्होंने केक खिलाया? नहीं, कभी नहीं केक खिलाया। आपने आपने झूठ कैसे बोला? बर्थडे में खिलाया। बर्थडे में ये कह रही बर्थडे में खिलाया, आप झूठ बोली? तुम आई नहीं थी? बताएं ये माजरा क्या है? ये बिल्कुल गलत बोली है। नहीं नहीं मैं गलत। हाँ क्या? टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक। जल्दी बोलो। नहीं आगे से एक थोड़ी होता, टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक। तशरीफ रखें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताया जाए? जवेरिया अशरफ। माशाल्लाह जवेरिया, आपका नाम किससे रखा था? पापा ने रखा था। जबरदस्त। और आना जाना कैसे? पापा के साथ? ठीक है। और मम्मा लेने के लिए आती हैं? अरे हैं वाकई? यानी पापा सुबह छोड़ते हुए ऑफिस जाते होंगे और मम्मा आपको लेने के लिए आती होंगी? तो अरे यार जबरदस्त, तालियां बजाएं मम्मा पापा के लिए। ये भी एक काम है, अम्मा अब्बा बचपन से लेके बच्चे को पालते बड़ा करते हैं, लाते ले जाते हैं और माशाल्लाह से, और फिर आगे रुख्सत भी कर देते हैं और हम तो घर जाके रुख्सत हो जाते हैं। लेकिन बात सारी होती है कि माँ बाप कितनी मतलब एफर्ट्स करते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जो कि माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये छोटा सा मैसेज था जो मैंने सोचा कि कन्वे कर दिया जाए। अच्छा जी टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक। नहीं 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 टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक। नहीं टपक नहीं है, टपक नहीं रहा, टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक। जल्दी नहीं बोलना है, टपक पटक पटक टपक। तशरीफ रखें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास है? नाइन क्लास है। ठीक है टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक। सही से बोलना ना। हाँ नाम बताया जाए? मुंतहा। जबरदस्त, मुंतहा के लिए ताली हो जाए। अच्छा मुंतहा जल्दी बोलना है, टपक पटक पटक टपक से लगाना, पटक 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 टपक पटक थोड़ी करना है, गरीब को तुमने पटका दिया। टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक पड़े नहीं, टपक पटक पटक टपक। तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? टपक पटक टपक पटक टपक पटक पटक टपक। हाँ जल्दी बोलो जबरदस्त। टपक पटक पटक टपक। नहीं नहीं टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक टपक पटक। नहीं तशरीफ रखे, कोई बात नहीं, आप आए जी पड़ोसन। हाँ हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताया जाए? बिस्मा शुएब। जबरदस्त। प्रीफेक्ट बनने का ख्याल कैसे आया या खुद इन सब ने फंसवाया? नहीं थोड़ा खुद की ज़रूरत, दूसरे ने भी कहा था। तो ये तंग शंग तो नहीं करते?
नहीं, सही कर देती आप? अरे यार ये तो लगती भी नहीं, बाकी सही करती हैं आप लोगों को। अरे बहुत नामू, दिल क्या निकली है, क्या हुआ, ये बहुत तंग करती है, बहुत गुस्सा दिखाती, गुस्सा भाई क्यों आप गुस्सा दिखाती है, मासूम गुस्से बच्चे हैं तो, है ना। अच्छा जबरदस्त, अच्छा टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक 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 पटक पटक टपक पटाखा पटाखा नहीं नहीं पटाखा नहीं चाहिए टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक 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 अच्छा मैं क्यों, क्या नाम है? युसरा। जबरदस्त, युसरा कहाँ रहते हो? घर पे। और घर कहाँ है? घर पे। जबरदस्त, नहीं इसी इलाके में? नहीं, दूर से आए आप? मेरी हॉल से आए। अच्छा जबरदस्त, टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक, हाँ जबरदस्त, टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक, हाँ 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 हाँ, टपक पटक पटक टपक। तालियां बजाएं भाई, आखिरकार हो चुका है ये सिलसिला मुकम्मल। नाज़रीन मैं यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पे लोगों से जो है वो हम करवा रहे थे टपक पटक पटक टपक, सही कहा आपने, कुछ ऐसी बोला है, ऐसी बोला है, सही बोला इन्होंने, कोई गलती तो नहीं की इन्होंने? नहीं नहीं, आप सही सुनी थी जी। जबरदस्त, ओके दो एक मिनट दोबारा करते हैं जरा। नहीं हम नहीं, सही है एक ही दफा होता है भाई, यार ये ले जाना यार, टपक पटक पटक टपक पटक पटक टपक टपक पटक पटक टपक पटक पटक टपक टपक, आहा टपक, तालियां। ये आपके साथ जाएगा, ये भी आपके साथ कॉमन सेंस का, और ये भी आपका कॉमन सेंस का, ये और ये सब आपके साथ जाएगा क्योंकि आपने बहुत अच्छी कोशिश की। सामने देखे फोटो खिंचवाएंगे, सब बोलेंगे खींचे जी। जनाब यहाँ पर हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक है, लेकिन बाबा एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आप ब्रेक पे जा रहे थे लेकिन यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें आ गई हैं, ये आप मुझसे शेयर करें, ये सेब, ये केले, ये सेब है भाई, अरे भाई ये केला है, अरे बहन कहाँ लिखा हुआ है, बड़े हो गए, अम्मी ने नहीं बताया ये केला है, नहीं अम्मी ने मुझे बता दिया ये सेब है, ये केला है, इसको छील के खाते, छील के इसको काट के खाते हैं, अरे इसको छील के खाते हैं, किसने बोला आपको ये, अरे सबको पता है, दुनिया में सबको पता है, आपको नहीं पता, अच्छा चलो शेयर तो कर लेना इस सेब को, शेयर कर लेते लेकिन ये है केला, शेयर कर लेंगे, ये उगता कहाँ है, ये कराची में उगता है, ये कोयटा में उगता है बहन, क्या हो गया आपको, कोई बताए इस बंदे को, ये केला है, आप नहीं समझेंगे भाई, आप तो बड़े ठीक इंसान, छोटी सी ब्रेक लेते हैं यार, कोई केला सेब नहीं, सेब केला नाम बताया जाए, सफिया नूर, कौन सी क्लास में, मैट्रिक में है, आगे क्या बनने का प्लान है, आगे इंजीनियर, इंजीनियर, अस्सलाम वालेकुम, नाम बताएं, जारा अयूब, कौन सी क्लास की हैं, सिक्स क्लास की हैं, जबरदस्त, मनोज भाई और हमारी टीम, हम सब यहाँ मौजूद हैं और हम यहाँ पर गेम करवा रहे हैं, और ये सिक्स क्लास है और ये मैट्रिक क्लास की हैं, करना कुछ यूँ है, आप लोगों ने ये सामने क्या रखा हुआ, केक रखा हुआ और बाकी चीज़ें भी रखी हुई हैं, इसको क्या करना है, आपको क्या लग रहा है, खाना तो है नहीं अभी है ना, डेकोर करना है, डेकोरेट करना है, इसको सारा का सारा ज़रा सेट करना है, खूबसूरत बनाना है, ठीक है जी, आपने भी ये करना है, सबसे अच्छा जो बनाएगा, सबसे अच्छा लुक एंड फील बहुत अच्छी लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, ख़ास मेहमान आ रहे हैं, तो उनके सामने आपने ये पेश करना है, आपका टाइम शुरू होता है। और
सिक्स और मैट्रिक क्लास के दरमियान आज हो रहा है मुकाबला, एक बड़ा अनोखा मुकाबला है ये, और देखते हैं कि सबसे छोटे बच्चे सबसे अच्छा बना पाते हैं या सबसे बड़े बच्चे ये अच्छा बना पाते हैं, ये वक्त बताएगा। मिस आपको खुशामदीद करते हैं। आपने ये बताना है कि इन दो बच्चों ने, इस सिक्स क्लास और हमारे साथ मैट्रिक क्लास जैसे ही मौजूद थे, आप देख रही थी, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत किसने बनाया है? आप कवर है जो इन्होंने बनाना बनाए काटे हैं, ये भी बहुत छोटे साइज में नहीं काटे, कोई बहुत मोटा है कोई छोटा है, ठीक है वहाँ बैलेंस है ये, ठीक है आई थिंक ये काफी बेहतर है। मिस हमारी जज तालियां बजाएं आज की क्लास। मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने हाथों से मिस मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लीज इनको ये तारीफ दीजिए, दे 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 आप तालियां बजाइए। और हमारी जो खातून पाकिस्तान थी उन्होंने जो ये आधे मोटे मोटे तगड़े किस्म के दाले में इसमें जा रहा हूँ, उनको भी आप प्लीज़ ये दोनों चीज़ें दे दीजिए, क्लैप होना चाहिए। मैट्रिक क्लास फिर भी मेहनत की है, आप साथ आ जाएं मैडम के, आप बेटे यहाँ पे आ जाएं और सामने सब खड़े हैं और बोलेंगे कि चेक 1 2 3। ले ले बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अक्सा की बर्थडे है और हम अक्सा की बर्थडे यहाँ मना रहे हैं, तालियां बजाएं बर्थडे करते हैं ये। हाय भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, मिस को हैप्पी बर्थडे टू यू, आपके साथ जाएगा, यूज कीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया। सामने देखेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सब बच्चे वहां देखेंगे कैमरे में, एक ऊपर भी। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे किसी और स्कूल में, हो सकता है अगला स्कूल आपका हो या फिर आपका हो, तो कॉमन सेंस के पेज पे जाइए और अपना फोन नंबर एड्रेस लिख भेजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए पाकिस्तान, अल्लाह ने के बाद।